सन 1947 में एक देश बटा और दो मुल्क बने। लगभग फौरन बाद दोनों में जंग छिड़ गई। फिर यूनाइटेड नेशंस ने युद्ध विराम करवाया और जंग के उस मोर्चे की लाइन युद्ध विराम की लाइन बन गई और बाद में वही बन गई नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन मैदानों, पहाड़ों और बर्फीली चोटियों से होकर गुजरती है। लाखों जवान इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन की चौकसी करते हैं हर घंटे, साल भर, जमीन पर और आसमान से भी। निगरानी का काम दिन रात चलता रहता है और निगरानी करने वाले जवानों को दो पल का भी आराम नहीं मिलता। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर इस टीम को उस जगह तक ले जाएगा जहां इसे दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। किसी जगह पर तेजी से पहुंचने के बाद बहुत तेजी से हालात को समझना पड़ता है। हालात का जायजा लेने के बाद इस टीम ने रात होने तक इंतजार करने का फैसला लिया। घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशें आमतौर पर रात के वक्त ही होती हैं। इसी वजह से मेरी टुकड़ी को भी रात के वक्त ही ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं और उसे अपनी टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ मिलाकर मिशन को अंजाम देते हैं। रात होते ही भारतीय जवान पूरी तरह से चौकन्ने हो जाते हैं। रोशनी कम होने की वजह से घुसपैठियों को फायदा मिलता है। यहां तैनात जवानों की इंद्रियां बड़ी ही सजग होनी चाहिए ताकि वो हल्की से हल्की आवाज और अनजान आकृतियों की पहचान कर सकें। जहां इंसान की इंद्रियां काम नहीं करती वहां आला दर्जे के खास गैजेट्स और ट्रेंड कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जब दुनिया सोती है तब ये फौजी जागते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। आज रात हमारी टीम को अल्फा फॉक्सट्रॉट में एम्बुश लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम का लीडर एक नौजवान अफसर है। यह अफसर है तो 24-25 साल का ही, मगर इसे लड़ाई के खतरनाक माहौल में जांबाज फौजियों की टीम को लीड करने की ट्रेनिंग दी गई है। अपना लोकेशन ये है, हम इस लोकेशन से एम्बुश साइट तक इसी रास्ते से जाएंगे। जांबाजों ने पूरी तैयारी कर ली है और वो आपसी तालमेल से दुश्मन को रोकने को तैयार है। मिशन होगा सिंगल लाइन फॉर्मेशन। किसी को कोई शक नहीं सर। क्या आप मेरे साथ एम्बुश जाने के लिए तैयार है? हां सर। ओके मार्च। अल्फा वन को अल्फा टू को। अल्फा टू और अल्फा वन ओके पास ओवर। अल्फा टू वी हैव रीच्ड एरिया पत्थर ओ। अल्फा वन आपको कोई मूवमेंट नजर आ रही है ओवर। मगर अच्छी से अच्छी योजना बनाने के बाद भी कई बार अनचाहे नतीजे सामने आते हैं। हर अभियान में जवान घायल होते हैं या मारे जाते हैं। सुबह होने पर भी ये अकेला संतरी पहरे पर तैनात है। ये गश्त लगा रहा है और इसके पास एक छोटी लेकिन बड़ी ही शक्तिशाली इंसेस 5.56 mm राइफल है। सेना की जरूरत के मुताबिक इस राइफल से एक बार में एक या तीन गोलियां चलाई जा सकती हैं। चूंकि जमीन पर LOC का कोई निशान नहीं है इसलिए यहां तैनात जवान आमतौर पर कुदरती निशानों से अपनी सीमा की पहचान करते हैं। जवानों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो गलती से भी LOC पार न करें। एक गलती भी जानलेवा हो सकती है। LOC की रखवाली आज भी आसान नहीं है। लड़ाइयां होती रहती हैं, दुश्मन की हरकतों का अंदाजा लगाना मुश्किल है और ये इलाका बड़ा ही खतरनाक है। मगर भारतीय सेना इस लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करती है सच्ची लगन से, सीना तान कर।